यू नो वेरी वेल, हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के तीन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज को मेंटेन करना, उनको अरेंज करना, उनमें कोऑर्डिनेशन लाना, वो ज़्यादा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर लाने के लिए, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अपना खुद का दिमाग होता है, खुद का परसेप्शन होता है, उनकी खुद की साइकोलॉजी होती है, खुद की नीड्स होती है। सो उन सारी चीज़ों को रख के हमें स्टाफिंग जैसे प्रोसेस को करना पड़ता है। यू नो वेरी वेल, जब ऑर्गेनाइजेशन छोटा होता है तो वो सिर्फ स्टाफिंग डिपार्टमेंट, स्टाफिंग फंक्शन से ही वो सिर्फ अपने सारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर लेती है। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है तो वहाँ पे इन सारे स्टाफ्स के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है, डेट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। एंड दिस डिपार्टमेंट परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटी रिलेटेड टू देयर स्टाफ्स। इन टुडेज वीडियो वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, कि यू नो वेरी वेल स्टाफिंग इज़ अ प्रोसेस। तो इस पूरे स्टाफिंग प्रोसेस में हम क्या क्या स्टेप्स करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। यू नो स्टाफिंग इज़ नॉट ए फेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बट अ सेपरेट मैनेजर फंक्शन। स्टाफिंग इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स। सो इट इज़ एसेंशियल डैट राइट काइंड ऑफ पीपल मस्ट बी अवेलेबल इन द राइट नंबर एट द राइट टाइम। दे शुड बी अ गिव एडुकेट ट्रेनिंग सो डैट वेस्टेज इज मिनिमम। राइट काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़ आर नॉट अवेलेबल सो इट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ मटेरियल, टाइम, एफर्ट्स एंड एनर्जी, resulting in lower productivity and poor quality of products, as well as they must also be induced to show higher productivity and quality by offering them proper incentive. So, इन सारे अगर points को अगर हम study करें तो हम ये बता सकते हैं कि staffing function must be performed efficiently by all organization. अगर सारे organization इन सारे activities को अच्छे से नहीं निभाएंगे तो वो कहीं ना कहीं अपने objective को achieve करने में रह जाएंगे, जो हम लोगों ने नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग में पढ़ा हुआ है। सो फॉर द सक्सेस एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ अ मस्ट दैट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आर फिल्ड एट अ राइट टाइम विद अ राइट नंबर एंड द राइट काइंड ऑफ पीपल। यानी सही टाइम पे सही नंबर में सही लोगों का चयन करना, सही लोगों को सेलेक्ट करना, इट इज़ अ वेरी टफ टास्क फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो उसके लिए हम स्टाफिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं। So there are basically 8 steps in the process of staffing. The first step is estimating manpower requirement. The second step, recruitment. The third step, selecting from among the applicants, that is selection. Number 4, placement and orientation, that is induction, training and development, performance appraisal, promotion and career planning, compensation. So there are basically 8 steps covered under the staffing process. Let's we discuss all the steps performed in the staffing process. The first steps, estimating manpower requirement. अगर आप खुद सोचिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है, ह्यूमन रिसोर्स को स्टाफ करना है, रखना है, तो सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? सर, सबसे पहला हमारा कदम ये होगा कि हम ये जानें कि हमें कितने मैन पावर की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बिना अगर हम स्टाफिंग प्रोसेस करेंगे तो वो स्टाफिंग प्रोसेस सही नहीं होगी। यानी हमें इतना ज़्यादा ज़रूरत होगा कि भैया हमें कितने स्टाफ की ज़रूरत है, किस तरह के स्टाफ की ज़रूरत है, हमें किस तरह के जॉब की रिक्वायरमेंट है। सो दीज टाइप्स ऑफ स्टडी कवर्ड अंडर द एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। लेट्स स्टडी इट। Performance of each job necessitates the appointment of a person with a specific set of educational qualification, skills, prior experience and so on. Operationally, understanding the manpower requirement would be necessitate workload analysis on the one hand and the workforce analysis on the other hand. आपने तराजू देखा है? तराजू बराबर होता है तभी equality की भावना आती है। सो स्टाफिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हमें तराजू को नाप लेना चाहिए। कहोगे तराजू क्या? तराजू के दो साइड होंगे। एक साइड में हम रखेंगे वर्कलोड एनालिसिस, यानी कितना काम है हमारे पास, वर्कफोर्स एनालिसिस दूसरे साइड में रखेंगे और पता करेंगे कि कितना हमारे पास वर्कफोर्स अवेलेबल है। जैसे हमारे पास काम करने को 10 एक्टिविटीज़ हैं,
हमारे घर में झाड़ू करना है, पोछा करना है, बर्तन मांजना है, गार्डन सही करना है, खाना बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है, बुजुर्गों की सेवा करने के लिए मुझे लोग चाहिए, 7 हुए। चलिए मान लीजिए 7 नो की सर 7 बॉक्स हैं मेनली, और मेरे पास सिर्फ 2 लोग आते हैं काम करने के लिए, और बार बार कहते हैं मालिक बहुत काम है, पैसा भी उतना ही नहीं मिलता, टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ वर्कलोड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वर्कफोर्स, काम है 7, करने वाले हैं 2, बड़ी नाइंसाफी की। सो सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि अपने मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस इनेबल्स एन असेसमेंट ऑफ द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब एंड ऑक्यूपेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। द वर्कलोड एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन एंड डिजायरेबल प्रोफाइल ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी इन द वर्कलोड एनालिसिस हम लोग क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो जॉब्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उस जॉब से रिलेटेड जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं और डिज़ायरेबल प्रोफाइल तैयार करते हैं कि वो जॉब के अंदर क्या क्या करना होगा और उस जॉब के लिए किस तरह के लोगों की ज़रूरत है। नाउ द सेकेंड पार्ट, वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क फोर्स एनालिसिस एस्टिमेट द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल। इट वुड हेल्प द स्टाफिंग पर्सनल टू फाइंड आउट इफ द ऑर्गेनाइजिंग इज ओवर स्टाफ, अंडर स्टाफ और ऑप्टिमली स्टाफ्ड। इन केस ऑफ ओवर स्टाफिंग सम ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज मे बी रिमूव्ड और ट्रांसफर, और अंडर स्टाफिंग मे बी रिक्वायर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू पीपल। दस द वर्क फोर्स एनालिसिस इनेबल्स द पर्सनल मैनेजर टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑप्टिमली स्टाफ्ड। Planning for human resource requirement is also concerned with the formulation of relevant policies, strategy and programs for meeting such requirement in an efficient manners. Workload ये बताता था कि हमारे पास अपने objective को achieve करने के लिए कितने jobs हैं, उन job का क्या description है, job में क्या क्या करना होता है और job के लिए suitable बंदा कौन है, कौन बंदा जिसके पास कैसा knowledge हो, कैसा experience हो, कैसे skill हो, वही बंदा उस काम को कर सकता है, ये हमने पता किया। विद द हेल्प ऑफ वर्कफोर्स एनालिसिस हम पता करते हैं नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल, यानी कितने लोग हमारे पास हैं। जैसे मैंने कहा ना, मेरे यहाँ 7 काम करना है लेकिन आदमी है 2, तो वर्कलोड ज़्यादा रहेगा ना लोगों के पास, वर्कफोर्स कम है। सो इसका मतलब हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अंडर स्टाफ्ड हैं। सो अंडर स्टाफ की सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा? सर, अंडर स्टाफ के केस में आपको और से ज़्यादा ज़्यादा लोगों को स्टाफ करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मान लीजिए काम है 7 और मैंने नौकर रखे हैं 14, सर बहुत ज़्यादा है, इतने लोग को सैलरी दे दोगे, प्रॉफिट भी कम होता होगा आपको, एक्सपेंस ज़्यादा होता होगा। सो एज वेल मैं बताऊँ, जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में लोगों के पास काम नहीं होता ना, यानी वो रिक्रूट है, काम कर रहे हैं, उनको जॉब मिली, बट वो ज़्यादा लोग जब किसी काम को करने लगते हैं ना तो वो काम अच्छे ढंग से नहीं होता। जैसे मैं कह दूं कि एक कमरे में 2 लोगों को मिलके काम करना है, 2 लोगों को मिलके झाड़ू लगाना है, तो वो झाड़ू कम लगाएंगे, बात ज़्यादा करेंगे, तो वहाँ पे हम रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। हम एक्सप्लॉयटेशन करने की बात भी नहीं कर रहे हैं कि 1 बीघा ज़मीन लेकर हम उनसे झाड़ू लगवा रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दी वर्क। सो द वर्कफोर्स एनालिसिस ये बताता है कि हमारे पास कितने ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, और ये सिचुएशन ये बताती है कि हमारे यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग की स्टेटस क्या है, हमारे यहाँ ओवर स्टाफ्ड हैं, अंडर स्टाफ्ड हैं कि ऑप्टिमली स्टाफ्ड हैं। सो अगर ओवर स्टाफ्ड हैं तो हमें लोगों को निकालना होगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, कम लोग हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को रखना पड़ेगा, और ऑप्टिमली स्टाफ्ड हैं तो बढ़िया है भैया, जितना काम है उतने ही लोग हैं, 7 काम था 7 पर्सन अवेलेबल हैं, सो बढ़िया है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहेगा ना कि उसके पास स्टाफ जो है ऑप्टिमली हो, मींस बैलेंस्ड हो, जितना वर्क हो उतने ही हमारे पास स्टाफ अवेलेबल हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता। सो उसी के लिए स्टाफिंग प्रोसेस, उसी के लिए एचआरडी डिपार्टमेंट वर्क करता है। सो द सेकेंड स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग इज रिक्रूटमेंट। आफ्टर डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ द नेक्स्ट स्टेप इज रिक्रूटमेंट।
रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर एंड सिक्योरिंग एप्लीकेंट फॉर द वेरियस जॉब पोजिशन विच अराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द ऑर्गेनाइजेशन. फॉर द पर्पज ऑर्गेनाइजिंग लोकेट द सोर्स ऑफ एन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट एंड पब्लिसाइज द स्पेसिफिक पर्सनल नीड्स सो एज टू इन्फॉर्म एंड इंड्यूस टू पीपल टू अप्लाई द जॉब पोजिशन. There are mostly two sources for the recruitment of employee, that is internal sources and external sources. इस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इंटरनल क्या होता है एक्सटर्नल क्या होता है. मैं सिंपली बात बता दूँ, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है ना, अपने ऑर्गेनाइजेशन में नीड पहले हमने देखा कि कितने मैन पावर की ज़रूरत है. काम है 7, काम करने वाले 2, मुझे 5 लोगों की और ज़रूरत है. तो उसके लिए मैं लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँगा तब तो लोग मेरे यहाँ जॉब मांगने आएंगे. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर दिस पर्पज द ऑर्गेनाइजेशन इज टू लोकेट द सोर्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट. इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, अवेलेबिलिटी देखेगा कितने कैंडिडेट हमारे पास अवेलेबल हैं. और कैंडिडेट दो तरह से उसको मिलते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल. इंटरनल मतलब हो सकता है उसके बिजनेस में कुछ कैंडिडेट ऐसे हों जो ओवर टाइम करना चाहते हैं, या किसी दूसरे जगह पे कुछ बंदे ऐसे होंगे जो उस काम को करना चाहते हैं, वहाँ पे उनके पास ज़्यादा काम नहीं है बट उनको यहाँ बुला सकते हैं. सो इंटरनल सोर्स से होता है ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन के थ्रू. एंड एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है कि हम बाहर पब्लिक में लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ कि मुझे 5 वर्कर्स की ज़रूरत है. सो इंटरनली सोर्स जो बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस से उसको फिल करता है, एंड एक्सटर्नल सोर्स वो सोर्स होते हैं जो पब्लिक से बिजनेसमैन अपने सोर्सेज को अरेंज करता है. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट मीन्स लोकेट द सोर्सेज एंड अवेलेबिलिटी एंड इंड्यूस द पीपल टू अप्लाई द पोजिशन. ये पूरी लाइन आपको हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट मीन्स लोकेट द रिसोर्सेज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट एंड पब्लिसाइज द स्पेसिफिक पर्सनल नीड्स सो एज टू इन्फॉर्म द इंड्यूस द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब पोजिशन. द नेक्स्ट स्टेप, अब हमारे पास लोग अवेलेबल हो गए, देयर आफ्टर भी हम क्या करेंगे, देयर आफ्टर द थर्ड स्टेप इज सेलेक्शन. सेलेक्शन फ्रॉम एमंग द एप्लीकेंट. सेलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेंट फॉर द वेरियस जॉब्स. यानी पहले हमने क्या किया, कंपेयर किया कि मेरे पास कितने जॉब्स हैं और उस जॉब को करने वाले कितने लोग. अगर हमारा डिपार्टमेंट, हमारी कंपनी, हमारा फॉर्म अंडर स्टाफ्ड है तो उसके लिए मैंने क्या किया, रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट में क्या किया, मैंने लोगों तक इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट की कि मेरे यहाँ जॉब पोजीशन खाली है, आइए अप्लाई करिए जॉब के लिए. देर आर बेसिकली टू सोर्सेज, जब फॉर्म या कंपनी अपने ही अदर डिपार्टमेंट से, अदर ब्रांचेस से स्टाफ ऑर्गेनाइज कर लेता है, स्टाफ रख लेता है, उसे हम लोग इंटरनल सोर्स कहते हैं. जस्ट लाइक अ प्लेसमेंट थ्रू ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन. एंड एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है, जब कोई कंपनी एंड फर्म लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती है कि मेरे यहाँ जॉब खाली है इन द पब्लिक थ्रू द rozgar.com के थ्रू, पेपर में एडवर्टाइजमेंट देकर कि भैया आइए हमारे यहाँ जॉब खाली है, इंटरव्यू दीजिए. तो उसके बाद वो क्या करते हैं, सेलेक्टिंग फ्रॉम द एमंग द एप्लीकेंट्स. जितने एप्लीकेंट्स, चाहे वो इंटरनल सोर्स से हों चाहे वो एक्सटर्नल सोर्स से हों, जितने भी बंदे हमारे पास आते हैं जॉब अप्लाई करने के लिए, अब उसमें से हम लोग सेलेक्ट करते हैं. सेलेक्ट का मतलब क्या होता है, सेलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेंट फॉर द वेरियस जॉब. यानी जितने बंदे लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं उसमें से हम जो सुटेबल कैंडिडेट होता है उसको सेलेक्ट करते हैं. इट फॉलोज रिक्रूटमेंट. मच इन्फॉर्मेशन हैज़ टू ऑब्टेन, एनालाइज एंड एवेल्यूएट फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट टू फैसिलिट द सेलेक्शन प्रोसेस. The information regulate the qualification, work experience, age, level of skill, other accomplishment, family background, aptitude and interest, physical, medical and so on. You know very well, जब हम selection test लेते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे written test ले लिया, physical test ले लिया, उसका mental test लिया, उसका psych लिया, उसका work experience जाना, उसकी qualification, उसका age क्या है, उसका skill क्या है. We are focused on the various kind of things when we are taking a selecting decision. The number 4, placement, orientation and induction. Once a selected candidate eventually joins the organization, he has to place in the job for he selected. In some cases, when two or more alternative positions are to be filled,
द सेलेक्टेड कैंडिडेट सॉट टू बी प्लेस्ड इन द जॉब टू विच ही इज़ मोर सुटेबल बाई वर्च्यू ऑफ हिज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एप्टीट्यूड एंड सो ऑन. ओरिएंटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज ऑफ टू द ऑर्गेनाइजेशन. He is given information on such matter such as under whom and with whom he will have to work, requirements of job performance and behavior, facilities and benefits available, hours of work and so on. You know very well, जब selection test हो जाता है और मान लीजिए मेरे पास 10 post खाली थी, 10 में से 100 लोगों ने क्या किया, apply किया, 100 लोगों में से मैंने क्या किया, 10 लोगों को select किया. अब वो 10 लोग जब हमारे यहाँ join करने आएंगे, job को join करने आएंगे, तो मैं क्या करूँगा, उनको कहूँगा जाए जॉब करो? नहीं, उनको बुलाऊँगा, क्योंकि नए नए उनको फिर उनकी राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज़ के बारे में उनको बताऊँगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर समझाऊँगा, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, उनको कैसे कैसे काम करना है वो सब समझाऊँगा, लोगों तक उनका इंट्रोडक्शन भी कराऊँगा कि देखिए ये हमारे यहाँ के ब्रांच मैनेजर, ये हमारे के फलां आदमी है, ये फलां पोस्ट पे ये अभी रिक्रूट हुए हैं, तो हम उनका इंट्रोडक्शन भी कराएं. जॉब तो पाली अपने क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और अपने एप्टीट्यूड से, बट जब न्यू एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन भी सर्कुलेट करते हैं, उन्हें कैसे जॉब परफॉर्म करना है, उनका बिहेवियर कैसा होगा, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कितने घंटे उनको काम करना पड़ेगा, काम को कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम इन द प्रोसेस ऑफ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में उनको बताते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. यू नो वेरी वेल, after the selecting of employees and we give a place to him, if there is a need of training and development, you know very well, jab koi naya organization hamare yahan join karta hai, jab naya employees hamare organization ko join karta hai, to wo hamare pure work culture se utne acche dhang se introduce nahi ho pata, so uske liye hum dheere dheere 1 mahine 2 mahine usko train karte hain, usko efficient banate hain, उसको डेवलप करते हैं. यही तो खास बात है स्टाफिंग प्रोसेस की, कि ये सिर्फ ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं देता, वो डेवलपमेंट की बात भी होती है. ट्रेनिंग का मतलब होता है जो उसका जॉब है उसमें उसकी नॉलेज को इनक्रीज़ करना, उसके स्किल को इनक्रीज़ करना. डेवलपमेंट का बात ही होता है कि जो वो काम कर रहा है उसमें भी उसकी नॉलेज हो, एज़ वेल एज़ वो जो काम नहीं कर रहा है उसके बारे में भी उसको नॉलेज देना, ताकि वो पर्सनल लेवल पर डेवलप करे और उसकी ग्रोथ बढ़े और वो अनदर कंपनी में जाकर अच्छे से अच्छा काम करे, यानी वो नाम रोशन करे, एक तरह से कह सकते हैं. सो विल डिस्कस, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग फंक्शन. ट्रेनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एम्प्लॉयज टू एक्वायर मोर नॉलेज ऑफ द जॉब एंड टू लर्न द शार्पन द नीडेड स्किल एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज एसोसिएटेड विद द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ देयर जॉब्स. मैनी ऑर्गेनाइजेशन मेक फॉर्मल एंड इनफॉर्मल अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू देयर मैनेजर एंड नॉन मैनेजर पर्सनल. Development focus on the general improvement of overall personality of the employees. The aims of development train to more general and sometimes unclear. देखिए अगर बात करें ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग लोग देते हैं क्यों? Acquire more knowledge of the job, learn or sharpen need to skill, values associated efficient performance of their job. यानी जॉब को करने के लिए efficient way में करने के लिए उसको knowledge देना, उसको skill provide करना, उसको एटीट्यूड उसके अंदर फॉर्म करना है, वैल्यूज डेवलप करना, ये सारी चीज़ें होती हैं ट्रेनिंग का पार्ट. वेयरस डेवलपमेंट का पार्ट ये होता है कि जनरल इम्प्रूवमेंट ऑफ ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज़ की एक पर्सनालिटी डेवलप करना, जैसे वर्क करने की पर्सनालिटी, टॉकिंग बात करने की, कम्युनिकेशन की पर्सनालिटी, ड्रेसिंग की पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी, चाहे इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली, उसे एक अच्छा इंसान भी बनाना है, चाहे वो अंदर से भी अच्छा क्यों ना हो एज़ वेल एज़ बाहर से भी अच्छा क्यों ना हो. और डेवलपमेंट का बहुत बड़ा वर्ड है, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे. एंड देयर आफ्टर मैंने उसको क्या क्या किया, मैंने सबसे पहले डिस्कस किया कि हमने अपने जॉब में कितने लोगों की ज़रूरत है, उस बेसिस पे हमने वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस किया. देयर आफ्टर रिक्रूट किया, रिक्रूट में हमने क्या किया, लोगों तक इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट किया कि हमारे यहाँ जॉब्स हैं, सो प्लीज़ आइए हमारे जॉब के लिए अप्लाई करिए. उसके बाद जितने लोग अप्लाई किए उनमें से उनके सिलेक्शन टेस्ट लिया, रिटन टेस्ट लिया, उनके प्रैक्टिकल टेस्ट लिया, उनका इंटरव्यू लिया, उनका मेडिकल टेस्ट लिया, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड का चेकिंग किया, साइकोलॉजी टेस्ट किया, एंड देयर आफ्टर उनको ड्यूटी ज्वाइन कराया, प्लेसमेंट कराया, अपने ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस कराया, और काम को वो और अच्छे ढंग से कर पाएँ और ईजी वे में कर पाएँ उसके लिए उनको बेसिकली स्किल एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ जनरेट कराए. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. अब काम होता है
ऑर्गेनाइजेशन का, वो होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। आफ्टर द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फेसेस मैंने उनको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया एम्प्लॉयज को। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल? दिस रेफर्स टू चेकिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। इट इज देन सिमिलर to the maintenance of a record about the performance of a school student and a periodical reporting to the parents, guardian of the pupils. In a business also, it is very essential that there is a record of performance of employees so that they can know the weak areas of performance and strive to improve them. The employees can decide the necessary action against those who do not comply with the standard of the organization. Number C, the employers can decide the training needs of the organization. And number D, employer can judge the employees who deserve to be promoted. Performance appraisal क्या होता है? Checking on the performance of employees. यानी employees को मैंने train कर दिया, develop कर दिया, organization के condition के बारे में उसको introduce कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब काम है उसे performance देने की। तो जैसे school के बच्चों का report का तैयार होता है, वैसे ही बिजनेस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए भी कभी हम लोग क्या करते हैं, एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं। उसमें ये देखते हैं कि उसने किस जॉब को किस ढंग से परफॉर्म किया है, उसमें इफिशेंटली और इफेक्टिवनेस वर्ड है कि नहीं है। यू नो वेरी वेल कि एवरी एम्प्लॉई मस्ट कम्प्लीटेड देयर जॉब ऑन टाइम विथ मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि उसने कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ किया हो, कम से कम कॉस्ट बियर किया हो उसके डिपार्टमेंट ने, एज वेल एज उसने टाइम पे वर्क कंप्लीट किया हो। सो हम उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं विच इज़ नोन एज परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल? चेकिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस? क्यों ये इंपॉर्टेंट है? देखिए इसके चार इंपॉर्टेंस जो इस बुक में दी हुई है, बहुत अच्छे ढंग से दी हुई है। सबसे पहले उस एम्प्लॉयज़ की वीक एरिया जान पाए कि वॉट आर द वीक एरियाज ऑफ परफॉर्मेंस। और क्योंकि जब वो उसका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा तो पता चलेगा कि वो किस काम को करने में दिक्कत हो रही है, किस एरिया में उसकी वीकनेस है। जैसे स्टूडेंट की जब रिपोर्ट कार्ड बनता है तो पता चलता है ना, मैथ्स में कमज़ोर है, इंग्लिश में कमज़ोर है कि साइंस में कमज़ोर है, किस एरिया में कमज़ोर है पता चलता है। उसी तरह से परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉयज़ से ये भी पता चलता है कि वो किस एरिया में वीक है। वो सेल्स में वीक है, प्रोडक्शन में वीक है, परचेज में वीक है, फाइनेंस में वीक है, किस एरिया में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही। देयर आफ्टर ये भी पता चलता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। यू नो वेरी वेल ऑर्गेनाइजेशन का अपना स्टैंडर्ड होता है, वर्किंग स्टाइल होता है, तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये भी पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ट्रेनिंग नीड्स क्या क्या है, उनको किस एरिया में नीड्स। यानी पहला पता चलता है वीक एरिया ऑफ परफॉर्मेंस, एंड दूसरा पता चलता है कि कौन कौन सा एम्प्लॉई कम ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के फेवर में काम कर रहा है कि अगेंस्ट काम कर रहा है। तीसरा पता चलता है ट्रेनिंग नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग नीड्स पता चलती है, एज वेल एज एम्प्लॉयर कैन जज द एम्प्लॉई हु डिजर्व टू बी प्रमोटेड। एंड आफ्टर द कम्प्लीटिंग द होल परफॉर्मेंस अप्रेजल आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद हम उसकी जब जॉब प्रोफाइल मेंटेन करेंगे तो हमें एकदम क्लियरली पता चलेगा कि किस एम्प्लॉय को प्रमोट करने की ज़रूरत है और किस एम्प्लॉयज को डिमोट करने की ज़रूरत है, किस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। कोई एक एम्प्लॉय होगा जिसको सब कुछ दे दिया लेकिन काम ही नहीं कर रहा है, तो भैया निकाल दो उसको। कुछ होगा जिसको कुछ कुछ काम करने में दिक्कत आ रही है, तो भैया उसको ट्रेन करो, डेवलप करो। और कुछ एम्प्लॉय होगा जो हर एरिया में काम अच्छे से कर रहा है तो उसको प्रमोट करो। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड स्टेप्स, दैट इज़ अ प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। Promotion means moving an employee to a higher job position since he working efficiently and his appraisal report is excellent. Sometimes a worker may not fit into his job in a particular department, then he's transferred to the other department to improve his efficiency. Also, some employees fail to improve their performance and result is wastage of resources, so they are demoted. Thus, career planning tools planning includes promotion, transfer, demotion of personnel based on their performance appraisal. यानी जब परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है तो हमें पता चलता है कि कौन एम्प्लॉयज़ काम अच्छे से कर रहा है, कौन एम्प्लॉयज़ काम अच्छे से नहीं कर रहा है, या कौन एम्प्लॉय प्रॉपरली उसे कुछ काम को करने में दिक्कत आ रही है। तो उससे हमें पता चलता है कि किस बंदे को प्रमोट करना है, किस बंदे को ट्रांसफ़र करना है, किस बंदे को डिमोट करना है, किस बंदे को निकाल के फेंक देना है बाहर। मैं ये बिजनेसमैन की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रमोशन? प्रमोशन मीन्स मूविंग एन एम्प्लॉय टू एन हायर जॉब पोजिशन। एज वेल एज इस स्टेप में हम लोग कैरियर प्लानिंग में भी देखते हैं कि मान लीजिए कोई एक बंदा है
जिसे बार बार एक ही काम को करने में दिक्कत आ रही है और हम उसके लिए प्रॉपर उसको ट्रेन भी कर रहे हैं, तो भैया इसके लिए उसको ट्रांसफ़र कर दो, उसे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में दे दो। प्रमोशन किसको देना है? जिसकी रिपोर्ट अच्छी आई है, अप्रेजल रिपोर्ट एक्सीलेंट आई है, उसको प्रमोट कर दो, क्योंकि उसने अपने जॉब पोजीशन को बहुत अच्छे ढंग से एफिशिएंटली, ही इज़ वर्किंग एफिशिएंटली एंड हिज अप्रेजल रिपोर्ट इज एक्सीलेंट, सो वो प्रमोशन के लायक भी है। जो बंदा किसी काम को कर रहा है, 10 काम में से 9 काम या 8 काम कर रहा है लेकिन 2 काम में दिक्कत आ रही है, तो उसे ट्रेनिंग दो, तब भी नहीं कर पा रहा है तो उसको ट्रांसफ़र कर दो। हो सकता है उसे इस काम को करने में दिक्कत आ रही हो तो उसे दूसरे काम में, दूसरा काम उसको सौंपो। और जो काम, जो एम्प्लॉयज़ फेल टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, जो बार बार अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है, बार बार एक ही गलती कर रहा है, यानी 10 में से 1-2 काम सही कर रहा है, 9 काम एकदम गलत कर रहा है, लेकिन उसके लिए भी हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं लेकिन तब भी वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको डिमोट कर दो। सो कैरियर प्लानिंग का भी स्टाफिंग में जिक्र होता है।